आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है गुप्त नवरात्रि है लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है जब श्रद्धा साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है यह शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है यह शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं युग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है